गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ से ऐसे उतरते। आपने नेक्स्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग यहाँ से चढ़े थे, अब हम जा रहे हैं नीचे। मैं और भूमि रह गए हैं अभी। अभी पापा ध्रुव और साक्षी तीनों नीचे चले गए हैं और अभी सिर्फ मैं और मम्मी रह गए हैं। तो अभी हम रह गए। सो गाइस हम आपको मिलते हैं नीचे जाने के बाद। गाइस मैंने अपने जूते यहाँ पर उतारे थे पर ध्रुव और साक्षी और पापा ने छुपा दिए मेरे जूते। भी नहीं छुपाए, नहीं है इन लोगों ने छुपाए। देखो इन लोगों की स्माइल देख के आपको पता चल रहा होगा इन लोगों ने मेरे जूते छुपा दिए। ओह मिल गए। ओ कहाँ रखे हैं? गाइस मेरे को मेरे जूते मिल गए। इन लोगों ने इनकी चालाकी मुझे पहले ही पता चल गई थी पर हमने बताया इसको तब जाके। तो गाइस देख सकते हो मेरे को कितने अच्छे फ्लावर मिला। चलो इसके साथ तो रैंक हो गया। देखो गाइस यहाँ कांच पड़ा हुआ है। कांच नहीं गए मैं कैसे निकलूंगी उधर साइड से। गाइस देखो ध्रुव मेरे को फूल दे रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नीचे और अभी हम जा रहे हैं विट्ठल देव जी के मंदिर पिकनिक मनाने के लिए। भी देखो बैठे हैं सब लोग। तो पानी तो आपको दिखाई दिया पहले, झरने जैसा पानी निकल रहा है। तो अभी चलते हैं। देखो हम अभी पहुंच चुके हैं। पूरा रास्ता हम अच्छे से उतर के आ गए। चढ़ने में टाइम लगता है, उतरने में तो फटाफट उतर जाते हैं। एक वीक की फुल एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी, तो हम सभी ने वीक में एक दो दिन चढ़ना ही है और हमारी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है अभी। तो कितना मज़ा आ रहा है, वीक में एक दो दिन आप ऐसे चलोगे तो आप भी फिट रहोगे। तो ऐसे ही चलते रहें। यहाँ पर बस भर भर के आती हैं और पूरा पिकनिक करते हैं लोग। दाल बाटी चूरमा सब बनता है, उस हिसाब से लोग खाना पीना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अभी सब पहुंच गए हैं तो अभी चलते हैं। पापा मम्मी और ध्रुव के हैंड वॉश हो रहे हैं, मुँह हाथ सब धो रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी गर्मी हो गया था। एकदम ठंडा ठंडा पानी हो रहा है। गाइस देखो कैसा मंदिर है, बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। मंदिर को देख, सुबह अच्छा मौसम हो रहा था तब बारिश की बूंदें आ रही थी। अच्छी बात है हमने तब चढ़ाई कर ली है, अब नहीं हो पाती चढ़ाई, नहीं होती गर्मी में। कुत्ते यहाँ लड़ रहे हैं। चलो हाँ नारियल सिर्फ खाली, सिर्फ नारियल। हाँ तो अभी हम नारियल ले रहे हैं चढ़ाने के लिए। नारियल के साथ एक रोज देते हैं, भी रोज डे है नहीं, किसको रोज दे भाई, आप लोग के लिए रोज। और ऊपर चलते हैं। आ रही हूँ। चलो तो फिर ऊपर चले, वो बहुत गर्म है। गरम था अंदर, सीढ़ियों पे बहुत गरम था इसलिए जल्दी जल्दी भाग के आए। अब देखो हम अंदर आ चुके हैं, आपको दर्शन कराते गुलाब।
आपको दर्शन कराते हैं कृष्ण भगवान। वो पंडित जी अपने आप मान रहे गाइस, हमसे एक गलती हो गई, हमने आपको बता दिया कि वो हनुमान जी का मंदिर था, ये वाला कृष्ण जी का मंदिर है और वो वाला बलराम जी का मंदिर था। तो कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के हम दर्शन पहले करके आए, फिर कृष्ण जी छोटे थे इसलिए फिर हमने बाद में कृष्ण जी के दर्शन किए। तो गाइस, हम हनुमान जी का बता रहे थे, वो हनुमान जी नहीं है, हमें पता नहीं था, तो हम नाम पढ़ा तो हमें पता चला कि वो बलराम जी का मंदिर है। हम चढ़ाई पे इतनी चढ़ाई चढ़ के दर्शन होते हैं। आप लोग भी कभी यहाँ पर आए ना, आपको बहुत शांति मिलेगी यहाँ पर आके और बहुत मज़ा भी आएगा चढ़ाई करने में। हाँ, अच्छे मौसम देख के आए, अभी बारिश का मौसम था इसके लिए हम यहाँ पर आए, अब बारिश थोड़ी चली गई है इसके लिए बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो गाइस, जब हम चलते हैं, बच्चों को भी भूख लगी होगी तो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, जो बच्चों का फेवरेट है वो ही खाएंगे। ये सुबह ये नाश्ता करके आ गए थे तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट। देखो वहाँ पे सब कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितने लोग पिकनिक के लिए यहाँ पे आते हैं, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ किसी के साथ भी आए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये भी बांसवाड़ा में ही है, फेमस मंदिर है ये भी। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, हम सभी का फेवरेट, रिलैक्स सभी का फेवरेट है वो, ध्रुव, साक्षी, भूमि, पांचों का हमारा फेवरेट है वो। जब भी हमें उसमें जाना होता है तो हम उसी में जाते हैं। वैसे हम जाते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, सभी अच्छे हैं, लेकिन एक तो फेवरेट होता ही है, तो हमारा रिलैक्सिंग फेवरेट है। तो अभी चलते हैं, तो हम मिलते हैं आपको रिलैक्सिंग में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच गए हैं रिलैक्सिंग के अंदर, अब हम यहाँ पर करेंगे खाना। हम लोग यहाँ पर बैठ कर रेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम ऑर्डर भी मांग सकते हैं और अंदर हम लंच भी कर सकते हैं। उस साइड बैठते ना पापा, इधर गर्मी है, इधर नहीं लगी गर्मी, डिसाइड कर रहा है। देखो ध्रुव को तंदूरी रोटी चाहिए, वेज लॉलीपॉप और मंचूरियन ही खाता है। क्या चाहिए? तो मंचूरियन, वेज मंचूरियन ग्रेवी ऑर्डर कर दिया है अभी। लास्ट टाइम खाया था ना वेज लॉलीपॉप, वेज मंचूरियन। तो गाइस, आ गए हमारे स्टार्टर, और स्टार्टर में हमने मंगाया है ग्रेवी मंचूरियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और हमारा तो फेवरेट है, हम हमेशा यही मंगवाते हैं, और वेज लॉलीपॉप, पर आज हमने मंचूरियन मंगवाया है। सो गाइस, हमारा अभी हो गया है मंचूरियन
और अभी हम लाएंगे सो गाइस हमारा आ गया है लंच। तो अभी हमने पहले से प्याज डाल दिए और दाल तड़का वेज हांडी तंदूरी रोटी और प्लेन रोटी। तो सबकी प्लेट आ गई, अब हम सर्व करते हैं। तो लंच हमने सर्व कर लिया है और अभी हम बाद में शायद तक जीरा राइस भी ऑर्डर करने वाले हैं। और ये रहा लंच। तो गाइस अभी जीरा राइस भी आ गया है और बहुत ही मस्त मस्त खाना है। यहाँ का व्यू देखो। और अभी हमारा लंच वगैरह सब पूरा हो गया है और हमने हाथ धो लिया, बस मेरे ही बाकी हैं। और हाँ, और अब हम खाएंगे सौंफ और हमारा लंच पूरा हो गया है। सो गाइस आ गई हमारी सौंफ और दूध भी सौंफ ही खा रहा है। और हमारा लंच पूरा हो गया है। अभी हम घर चलते हैं। प्लेट बना लिया, मेरे हाथ छोटे छोटे, मैं सौंफ नहीं ले पाता तो मैं एक चम्मच सौंफ लूँगा, ज़्यादा नहीं। इतनी रुको बोल गाइस, आप देख सकते हैं जिसके हाथ छोटे छोटे हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं, सौंफ ऐसे लेके बना सकते हैं। ध्रुव ने अपना पॉकेट, साक्षी ने भी ऐसे ही भर लिया है अपना, उसमें देखो हाथ छुपा रही है वो अपना, हाथ गंदे हो जाते हैं। गाइस ये रिलैक्सिंग है और इसके सामने ही बेकरी है। हम यहाँ पर डोनट भी ले, बेकरी और कैफे दोनों आई है। हम यहाँ पर आपको किसी दिन इसका भी दिखाएंगे ब्लॉग बना के। अभी हम घर जा रहे हैं। गाइस अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही अपनी हमारी वीडियो देखते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।